थी मार्केट, वहाँ से लेकर स्टीम लेने की मशीन, तो ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैंने लेकर आई वैक्सिंग की भी मशीन, मतलब मैंने नहीं ली, मेरी बेटी की है नौशीन की, तो वैक्सिंग की भी मशीन नौशीन ने लेकर आई। ये देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी की है ये भी। उसके बाद मैंने क्या लेकर आई वो भी देख सकते हैं। ये बुरख़ा मेरे लिए ली, नया है बुरख़ा। और एक सूट लेकर आई, तो बुरख़ा खोलकर दिखाती है आपको। ये दुपट्टा है ऊपर का, और उसके बाद है ये बुरख़ा, अंदर आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट काम था धागे का, एम्ब्रॉयडरी के धागे का वाइट काम था, तो वाइट में तीन कलर थे इसमें, तो मेरे को ये वाइट काम वाला ही अच्छा लगा। तो और मैं मार्केट गई, वहाँ पर मिर्ची सस्ती थी, मैंने मिर्ची भी ले ली, और टमाटर भी सस्ते थे 30 रुपये किलो, तो मैंने टमाटर भी ले ली। ये देख सकते हैं आप, नौशीन पहुँच रही है लादी, और यहाँ पर हो रही है बारिश, और मैंने कंबल निकाली है धोने के लिए, और अलबिरा ने हमारे कपड़े लेकर आ गई है सुखाकर, टेबल ऊपर लेकर गई थी, टेबल पे कपड़े सुखाई। देख सकते हैं आप, बाहर बारिश हो रही है, ये देख सकते हैं। ये कपड़ा मैंने ली मेरे लिए, अच्छा लग रहा था ये कलर, तो इसीलिए मैंने इसको ली। मैं तो जा रही थी दूसरी दुकान से लेने के लिए मीटर वाला, मेरे जो टॉप है छोटे छोटे होते हैं, वो जो फेरी वाले आते हैं उनके पास के कपड़े, और मीटर वाला कैसा रहता, इसकी लंबान भी अच्छी लंबी है, इसके लिए मैंने ये ली। और इसमें जो ये ब्लू कलर, जो ये ग्रीन कलर है, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये ली मेरे लिए। इसके ऊपर मैं काटन का दुपट्टा ले लूँगी, ताकि हमारे सर पे अच्छे से बैठता और सिल्की दुपट्टा फिसल जाता। और ये रहा अलबिरा का ड्रेस है, मैंने ये भी फेरी वाले से ही ली, तो इसकी शलवार पूरी चॉकलेटी है। कहाँ है अलबिरा शलवार इस पे का? इसकी शलवार अभी काटना बाकी है, मैंने टॉप काट चुकी हूँ। और ये अलीजा का था, अलीजा का, अलीजा ने बोली, मैंने अलीजा को क्या बताई थी, अलीजा एक लॉन्ग टॉप सिले और नीचे पैंट, तो अलीजा बोली नहीं अम्मी मेरे को अम्ब्रेले के जैसा, मतलब ना एयरलाइन, एयरलाइन बोलते हैं इसको, तो पैक कर दी। तो अलीजा ने अपने लिए ये सिलाई, इसके ऊपर है पैंट, तो पैंट किधर है, दो बेटा उधर से ला दे। और ये शलवार पैंट भी मैंने सिल दी, ये देख सकते हैं। इतना ही हम सिलने देते तो हमारी जितने का कपड़ा नहीं है तो उतनी तो सिलाई जा रही, 350-350 रुपए सिलाई है सादे ड्रेस की, और अस्तर वाले की 800 रुपए सिलाई है, वो भी कपड़ा देखकर। तो ये अलीजा का मैंने एक ड्रेस सिल दी, मेरा एक ड्रेस ही और अलीजा का एक ड्रेस सिल दी मैंने, और अलीजा के बर्थडे का भी एक ड्रेस मैंने लेस वो लगा कर सिल दी। और अभी इसके अंदर जो है ना, नौशीन का एक ड्रेस पीस है इसमें, और वापस से अलीजा का एक ड्रेस है, तो मुझे इतने सारे कपड़े सिलना है। तो अलीजा ने भी ये ली, अच्छा लग रहा था, सेम है, इसके ऊपर पीली शलवार भी थी लेकिन वो नहीं ली, सेम ली शलवार और कमीज का सेम। और ये है नौशीन का, माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छा, मुझे कलर और डिज़ाइन भी ना बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। ये टॉप है और ये शलवार का कपड़ा है। अब इतने, ये अभी एक जोड़ी, ये एक जोड़ी दो हो गए, और ये एक जोड़ी सिलना है तीन, और ये एक जोड़ी सिलना है चार हो गए, और एक कबाट में, बताओ बेटा अलीजा निकालो वो, तो अलबिरा की पसंद, तो अलबिरा ने, और एक एक ये टॉप है, ये 2 मीटर का टॉप है, 2 मीटर की शलवार का कपड़ा है, तो ये अलबिरा के लिए। अब ये भी एक ड्रेस सिलना है, तो एक, ये दो, तीन, ये चार, और ये 5 जोड़ी फिलहाल अभी मुझे सिलना है, और मेरे को 2 जोड़ी जा।
आपको अगर से ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो नए हैं मेरे चैनल पर तो वो सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कर दीजिए और फुल वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। और मैं थोड़ी सी शॉपिंग की हूँ मैंने, ये तो दरवाजे पे ही की जितने मैंने आपको कपड़े बताई, और मैं कल मार्केट गई थी तो मार्केट से मैंने मेरे लिए नखाब लेकर आई, मैंने आपको वो भी बताई। और नौशीन ने वैक्स की मशीन ली और स्टीम की भाप लेने की स्टीम की मशीन ली नौशीन ने, तो मैंने वो भी ब्लॉक में है, आप वो भी देखिए, आपको नखाब मेरा कैसा लगा वो भी देखिए। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, और वो भी नए बांगड़ा में रात के लिए। बांगड़ा सुबह सवेरे बनी थी, गिली बोम्बिल रात में बनूंगी सोची, तो अलीजा का बर्थडे था तो मैंने चिकन पुलाव बना दी, तो गिली बोम्बिल मैंने फ्रिज में रख दी थी, तो गिली बोम्बिल अभी बन रही है हमारी, और रोटी भी बन चुकी है और दाल चावल भी बन चुके हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम में पैदा किए और मेरे नबी की उम्मत बना। बाय, अच्छा लगे तो लाइक करना।